हेलो दोस्तों, आज जो जमैका टी टेन लीग का वॉरियर्स वर्सेस रॉयल्स के बीच में जो मैच होने वाला दोस्तों, इस मैच का रिव्यू हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। दोस्तों सभी प्लेयर्स के टी टेन और टी ट्वेंटी के रिकॉर्ड यहाँ पे कवर करेंगे, प्लेयर्स की दोस्तों रिसेंटली क्या कुछ परफॉर्मेंस रही है वो भी देखने वाले हैं, साथ में दोस्तों हेड टू हेड के रिकॉर्ड आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दोस्तों पिच रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ रहने वाला है वो भी हम कवर करेंगे, साथ में दोस्तों ड्रीम इलेवन की टीम भी इस वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं। बाकी दोस्तों इस मैच की फाइनल अपडेट जो रहने वाली है वो मैं आपको दोस्तों टेलीग्राम के ऊपर देने वाला हूँ। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर दोस्तों आपको इस मैच की फाइनल अपडेट भी आपको मिल जाएगी। अगर कोई एक्स्ट्रा प्लेयर्स अगर खेलता है दोस्तों, उनके टी टेन और टी ट्वेंटी के रिकॉर्ड भी आपको वहीं पर ही मिल जाएंगे लाइनअप आने के बाद में। और दोस्तों इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में अगर देखें दोस्तों, वॉरियर्स वर्सेज रॉयल्स के बीच में टोटल तीन मैच अभी तक खेले गए हैं, तीनों के तीनों जो मैच रहे दोस्तों वो रॉयल्स ने ही विन किए हुए हैं। दोस्तों एवरेज स्कोर की बात करें दोनों का सेम रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि रॉयल्स ने दोस्तों तीनों के तीनों जो मैच रहे हैं वो चेज करते हुए अभी तक विन किए हुए हैं। मोस्ट रनों की बात करें दोस्तों हेड टू हेड के अंदर वो रहने वाले लेरोय लुक के नाम, तीन मैच अभी तक खेल चुके हैं, 49 रन अभी तक इन्होंने हेड टू हेड के अंदर बनाए हुए हैं। कार्लोस ब्राउन ने दोस्तों तीन मैच खेले हुए, तीन मैच के अंदर 38 रन। वही दोस्तों डेविन बैंक्स की बात करें दो मैच के अंदर 25 रन इनके नाम रहे हैं। ये दोस्तों जो एक्टिव प्लेयर रहने वाले हैं इस सीजन वो खेल रहे हैं, वो लास्ट सीजन भी खेले थे, उनके ये रिकॉर्ड रहने वाले हैं। मोस्ट विकेट की बात करें दोस्तों निकोलसन गॉर्डन के नाम रहने वाले हैं, तीन मैच के अंदर 6 विकेट निकाल चुके हैं दोस्तों हेड टू हेड के अंदर, और लास्ट मैच के अंदर भी दो तीन विकेट निकाल गए थे। वहीं पर दोस्तों पैट्रिक सलमान की अगर बात करें तीन मैच के अंदर 5 विकेट इनके नाम रहे हैं। खारी कैंप में दोस्तों दो मैच के अंदर 4 विकेट निकाल चुके हैं। दोस्तों ये इनका हेड टू हेड का रिकॉर्ड रहने वाला है। दोस्तों जो एक्टिव प्लेयर रहे हैं दोस्तों उनका रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे डाला हुआ, जिनके अलावा दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स रहे हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं डाला हुआ, क्योंकि दोस्तों वो इस सीजन अवेलेबल नहीं है, तो दोस्तों उनका रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे हटा दिया है। यहाँ पे दोस्तों पिच रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें दोस्तों, सबीना पार्क के ऊपर ये मैच होने वाला है दोस्तों, बॉलिंग फ्रेंडली पिच रही है, लेकिन दोस्तों लास्ट दो तीन मैच के अंदर 125 के आसपास है रन देखने को मिले हुए हैं। पेस फ्रेंडली पिच रहने वाली है, अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखें दोस्तों सेकंड बैटिंग फ्रेंडली पिच रहेगी दोस्तों, क्योंकि चेज करने वाली टीम ने यहाँ पे ज्यादा मैच विन किए हुए हैं। टोटल इस ग्राउंड के ऊपर 47 मैच अभी तक खेले गए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम का एवरेज स्कोर 94 रन दोस्तों, पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मात्र 32% अभी तक मैच विन किए हुए हैं। इस सीजन की बात करें दोस्तों तकरीबन 95% जो मैच रहे हैं वो चेज करने वाली टीम ने ही विन किए हुए हैं। विकेट स्प्लिट की बात करें दोस्तों, पेसर्स के नाम 243 विकेट रहे हैं, स्पिनर्स के नाम 103 विकेट रहे हैं अभी तक 47 मैचेस के अंदर। ओवरऑल यहाँ पे देखें दोस्तों चेज करने वाली टीम यहाँ पे एडवांटेज रखती है, और साथ में दोस्तों पेसर्स के नाम ज्यादा विकेट अभी तक रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर लास्ट मैच की प्ले ग्राउंड के हिसाब से अगर रिकॉर्ड देखें दोस्तों, वॉरियर्स की लास्ट मैच की प्ले ग्राउंड के अंदर ओपनिंग करने आए दोस्तों डेविन बैंक्स, दोस्तों इनका हेड टू हेड के अंदर रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। टी टेन का रिकॉर्ड देखें तो 15 मैच के अंदर 197 रन, 6 विकेट इनके नाम रहे हैं। लास्ट मैच के अंदर 40 रन की पारी आई थी, सेकंड लास्ट मैच के अंदर 19 रन इन्होंने बनाए थे। लास्ट मैच के अंदर दोस्तों ये बॉलिंग भी करने आए थे, एक विकेट भी इन्होंने निकाला था। जॉर्डन होलनेस दोस्तों ओपनिंग इनके साथ में करने वाले हैं, टोटल 6 मैच खेल चुके हैं इस सीजन, 40 रन इनके नाम रहे दोस्तों, 15 रन इनका ये स्कोर अभी तक रहा है। वही पर दोस्तों डेवरियो स्मिथ की बात करें नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करेंगे, 5 मैच के अंदर 50 रन ही अभी तक इनके नाम रहे हैं, 22 रन इनका ये स्कोर टी टेन के अंदर रहा है। एंड्रे मैकार्थी दोस्तों ये थोड़ी सी बेटर ऑप्शन रहने वाले हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ में बैटिंग भी करके देने वाले हैं। 20 मैच के अंदर 190 रन, 8 विकेट इनके नाम रहे हैं। लास्ट मैच के अंदर 24 रन, सेकंड लास्ट मैच के अंदर 19 रन की इनकी पारी आई हुई है, लास्ट मैच में एक विकेट भी इन्होंने निकाला था। दोस्तों थोड़ा सा सेफली ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये आपको बैटिंग के साथ में बॉलिंग भी करके देने वाले हैं। नंबर 5 की बात करें दोस्तों, नंबर 5 के ऊपर आपको यहाँ पे थावी स्पेंसर आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं। लास्ट मैच में दोस्तों नंबर 5 के ऊपर खेले थे, टोटल 3 मैच खेल चुके हैं, मात्र 7 रन इनके नाम रहे हैं। टी ट्वेंटी का रिकॉर्ड रहेगा, 2 मैच के अंदर 6 रन, कोई विकेट नहीं। वहीं पर दोस्तों रोमारियो विंस ये भी दोस्तों इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं रहने वाली, 3 मैच के अंदर मात्र 13 रन अभी तक बना पाए हैं। लेनॉक्स सिम्पसन दोस्तों नंबर 7 के ऊपर बैटिंग करने वाले हैं, 3 मैच अभी तक खेल चुके हैं, 22 रन, 1 विकेट इनके नाम रहा है। रोमारियो नेम्बर्ड की बात करें दोस्तों नंबर 8 के ऊपर बैटिंग करने वाले हैं, रोमरेन नेवल्ड 6 मैच के अंदर 16 रन और 3 विकेट अभी तक इनके नाम रहे, लास्ट मैच में विकेट नहीं निकाला था, सेकंड लास्ट मैच में 2 विकेट इनके नाम रहे थे। दोस्तों इस स्क्वाड की जो बैटिंग और बॉलिंग रहने वाली दोस्तों वो थोड़ी सी वीक यहाँ पे रहने वाली है, खास तौर पे दोस्तों इनकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं रही है। बॉलिंग साइड से अगर बात करें दोस्तों, लास्ट मैच के अंदर भी मैंने बताया था दोस्तों मिकेल सिल्वा दोस्तों लास्ट मैच के अंदर ये बॉलिंग कर गए थे, 6 मैच के अंदर 6 विकेट इनके नाम रहे, लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट निकाल गए थे। दोस्तों काफी कम लोगों ने इनको पिक किया हुआ है, लास्ट मैच के अंदर सेकंड लास्ट मैच के अंदर बॉलिंग इन्होंने नहीं की थी, लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट इन्होंने निकाला था। वहीं दोस्तों एंड्रे ब्लेक की बात करें, 4 मैच के अंदर 7 रन, 2 विकेट अभी तक निकाल चुके हैं, लास्ट दोनों मैच के अंदर विकेट नहीं निकाल पाए हैं।
ओस्मान ने प्रलंबन की बात करें तो 200 नंबर 11 के ऊपर बैटिंग करने वाले हैं। 6 मैच के अंदर मात्र 1 विकेट इनके नाम रहा है, लास्ट मैच में ये भी विकेट नहीं निकाल पाए थे। यहाँ पे दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स रहने वाले हैं, इनका रिकॉर्ड भी दोस्तों मैंने यहाँ पे डाल दिया है, अगर ये प्लेयर खेलते तो आप इनको भी अपनी टीम के अंदर पिक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फाइनली अपडेट जो रहेगी इसके अंदर दोस्तों रॉयल्स की जो स्क्वाड रहने वाली है वो काफी अच्छी स्क्वाड रहने वाली है, बैटिंग भी इनके पास में अच्छी रहेगी दोस्तों, और खास तौर पे दोस्तों इनकी बॉलिंग यूनिट काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। इस सीजन की दोस्तों सबसे अच्छी बॉलिंग यूनिट आप इनको कह सकते हैं। ओपनिंग की बात करें दोस्तों लहरा युग ओपनिंग करने वाले हैं, 16 मैच के अंदर 356 रन अभी तक बना चुके हैं, हेड टू हेड का रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। 24 लास्ट मैच के अंदर 2nd लास्ट मैच 10 रन, 3rd लास्ट मैच के अंदर 43 रन की इनकी पारी आई हुई है। रिसेंट दोस्तों हर मैच के अंदर स्कोर कर रहे हैं, इस सीजन की अगर बात करें और लास्ट सीजन भी इन्होंने अच्छी खासी स्कोर किए हुए हैं। वहीं पर दोस्तों लास्ट मैच में हैरो को ओपनिंग करने भेजा था दोस्तों, तो इनका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, 2 मैच अभी तक खेल चुके हैं, 0 रन इनके नाम रहे, लास्ट मैच के अंदर भी फ्लॉप रहे थे। T20 का रिकॉर्ड दोस्तों इनका थोड़ा सा बेटर रहा है, 7 मैच के अंदर 172 रन इनके नाम रहे T20 2023 के अंदर। वहीं पर T20 2019 के अंदर दोस्तों 6 मैच के अंदर 68 रन इन्होंने अभी तक बनाए हुए हैं। ऑडियंस में दोस्तों लास्ट मैच के नंबर 3 के ऊपर आ गए थे, साथ में 2 ओवर भी करके देने वाले हैं, 83 रन की पारी खेली थी दोस्तों लास्ट मैच के अंदर भी। मैंने इनके बारे में बताया था कैप्टन को स्टार्टिंग के लिए अच्छी पिक रहने वाली है, साथ में आपको बॉलिंग भी करके देने वाले हैं। 2nd और 3rd लास्ट मैच के अंदर इनकी बैटिंग नहीं आई थी, काफी ज्यादा हार्ड हिटर रहने वाला, रिकॉर्ड भी शानदार रहा है, लास्ट मैच के अंदर 83 रन की पारी इनकी आई हुई है। कार्लोस ब्राउन नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करेंगे, लास्ट मैच में 20 रन बना के नोट आउट रहे थे, 17 मैच के अंदर 180 रन अभी तक बना चुके हैं, 1 विकेट इनके नाम रहा, जो कि दोस्तों लास्ट मैच के अंदर एकमात्र मैच इनका रहा है जो कि लास्ट मैच के अंदर ही इन्होंने बॉलिंग की थी, रेगुलर बॉलिंग नहीं करते। सामने दोस्तों थोड़ी सी वीक स्क्वाड रहेगी, हो सकता है इस मैच के अंदर भी आपको एक आधा ओवर करके दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों नंबर 9 की अगर बात करें, नंबर 9 के ऊपर आपको दोस्तों केविन डेली आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं, लास्ट मैच में दोस्तों इनकी कोई बैटिंग इनकी आई नहीं थी, बॉलिंग इनसे करवाई नहीं गई थी। T20 का रिकॉर्ड रहेगा, 10 मैच के अंदर 168 रन 11 विकेट इनके नाम रहे हैं T20 2022 के अंदर। वहीं पर दोस्तों नंबर 11-10 की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे खारी कैंपबेल आपको मिलने वाले हैं, 11 मैच के अंदर 18 विकेट निकाल चुके हैं दोस्तों, हर मैच के अंदर विकेट निकालते हैं, लास्ट मैच के अंदर इनको विकेट नहीं मिला था। वहीं पर दोस्तों गोल्डन की अगर बात करें तो इन्होंने 3 मैच के अंदर 6 विकेट हेड टू हेड के अंदर निकाले हुए हैं, और दोस्तों इनका रिकॉर्ड भी शानदार रहा है, 16 मैच के अंदर 24 विकेट इनके नाम रहे हैं, लास्ट मैच के अंदर भी 1 विकेट इन्होंने निकाला हुआ है। इनके अलावा दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स इनके रहने वाले हैं, इनको भी आप अपनी टीम के अंदर पिक कर सकते हैं। दोस्तों अगर रॉयल्स की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे बॉलिंग यूनिट और बैटिंग दोस्तों इनकी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, वॉरियर्स यहाँ पे थोड़ी सी वीक स्क्वाड लग रही है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर रॉयल्स पहले अगर बैटिंग करती है तो भी दोस्तों इस मैच को आसानी से विन कर सकती है, क्योंकि दोस्तों इनके पास में बॉलिंग अच्छी रहने वाली है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे ड्रीम इलेवन की टीम की अगर बात करें, मैंने यहाँ पे ओडियन स्मिथ को यहाँ पे कैप्टन पिक किया, वाइस कैप्टन इबैंक्स को यहाँ पे पिक किया हुआ है, वाइस कैप्टन के दोस्तों आप यहाँ पे मैकार्टी को पिक कर सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा दोस्तों, बॉलिंग डिपार्टमेंट से गोल्डन या फिर दोस्तों कैंपबेल, इन दोनों को जरूर ट्राई कीजिएगा, काफी अच्छी ऑप्शन रहने वाली है। फाइनल अपडेट दोस्तों मैं आपको टॉस होने के बाद में ही देने वाला हूँ, टॉस होने के बाद में दोस्तों इस मैच की फाइनल अपडेट और अगर कोई एक्स्ट्रा प्लेयर्स अगर खेलता है तो उसका रिकॉर्ड मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर भेज दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं।